हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पोल्ट्री सीरीज के पहले एपिसोड में हम बात करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए उठाया गया पहला कदम था। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता प्रदान की गई। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। इस अधिनियम में मुख्य प्रावधान थे, जैसे इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दे दिया गया और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इस अधिनियम के तहत बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इस अधिनियम के द्वारा मद्रास और मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश समेत 3 अन्य न्यायाधीश थे। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार लेने पर रोक लगा दी गई थी। इसी अधिनियम के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों द्वारा भारतीयों से रिश्वत लेने पर भी रोक लगाई गई थी। 1773 के एक्ट के बाद 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, जिसका मुख्य उद्देश्य 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करना। 1781 के बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, जो एक महत्वपूर्ण संवैधानिक दस्तावेज था, क्योंकि इसके द्वारा भारत में दोहरे प्रशासन यानी द्वैत शासन की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो राजनीतिक मामले थे उनके नियंत्रण उनको देखने के लिए एक नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था और कंपनी के व्यापारिक मामलों के लिए निदेशक मंडल का गठन किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा भारत के नागरिक सेना संबंधी और राजस्व संबंधी गतिविधियों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण जो है सशक्त हो गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।